सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम टू रेडर प्लेस गाइस। वी आर बैक विद डीएमएल और या ड्रैगन मैनिया लेजेंड्स के अंदर आज हम लोग मैच करने जा रहे हैं लेजेंडरी मैड गैजेट ड्रैगन को। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार है, इंटरेस्टिंग भी है और यूजफुल टिप्स भी बताने वाला हूं वीडियो के बीच में। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। स्पेशली भाई मैड गैजेट यूजर्स, जो भी भाई लेजेंडरी मैड गैजेट ड्रैगन को यूज करना चाहते हो, स्पेशली भाई ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन में इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे कमाल के टिप्स भी बताऊंगा। So, लास्ट तक जरूर से देखना। तो इसके स्टैट्स के बारे में बात की जाए, जैसे कि तुम लोगों को पता है भाई मोस्ट ऑफ द लेजेंडरीज का स्टैट्स सेम होता है, बिल्कुल इसका वैसा ही है, ठीक है। इसके अटैक लेवल की बात की जाए भाई, इसका अटैक लेवल है गाइस 72, जैसे कि भाई सभी लेजेंडरीज का होता है, और वैसा ही सेम भाई इसका हेल्थ लेवल है 240 है, ठीक है। और ये कॉमन है यार, सभी लेजेंडरीज का सेम होता है, मुझे भी नहीं पता क्यों भाई ये रीजन, इसका रीजन क्या है। सो गाइस, इसके एलिमेंट्स की बात की जाए, एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन गेम वालों ने इसे बहुत ही तगड़ा वाला दे रखा है। इसके पास है गाइस लेजेंडरी मेटल और शेडो, देख सकते हो भाई, इसे जो भी यूज करेगा ना एकदम कमाल की स्ट्रेटजी के साथ, भाई ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, एरिना हो, डुनगियन हो, किसी भी जगह भाई इसे अच्छे स्ट्रेटजी, तगड़े स्ट्रेटजी से यूज करना पड़ेगा, और वो स्ट्रेटजी इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। सो गाइस, लास्ट तक जरूर से देखना, स्किप बिल्कुल ही मत करना, और लाइक कर दो यार, सब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो। फिलहाल अभी हम लोग इसे फीड करते हैं, ठीक है। तो मैं भाई लेजेंडरी है तो जरूर से भाई 28 या फिर 30 तक कर दूंगा, मैं 30 करेंगे, चलो 30 नहीं तो 32 सही है, ठीक है। यहाँ पे 32 का लेवल का कर दिया, और बड़े होने के बाद दिखने में कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब मैड गैजेट ड्रैगन एकदम गैजेट जैसा नहीं लग रहा है, ये रोबोट सा। ये देखो भाई इसके आंखों में लाइट जल रही है, और एकदम अलग है, सभी ड्रैगन से अलग है। और इसके पैर देखोगे ना जरा भाई, इसके असल में भाई दो छः पैर है इसके, वाह भाई ऐसा ड्रैगन मैंने पहली बार देखा है। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस, अभी हम लोग खेलने जा रहे हैं डुनगियन, लेट्स गो गाइस, यहाँ पे डुनगियन खेलते हैं। यहाँ पे ड्रैगन सिलेक्ट कर लेते सबसे पहले, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन ही सिलेक्ट करेंगे। सो आपके गाइस अपने कोलियाडा को सुन मैक्स करने वाला हूँ, और तुम्हें पता है भाई पिछली वाली लाइव स्ट्रीम में तुम्हारे भाई को दो टायरेंट ड्रैगन्स मिल चुके हैं, और उनमें से भाई गिनीस फेबर को मैं 100 लेवल प्लस करने के लिए भाई फूड कलेक्ट कर रहा हूँ, और करीबन मेरे पास अभी 40 मिलियन से भी ज़्यादा फूड है, ठीक है। सो भाई पक्का कर देंगे, और हाँ बस 5 लेवल और कर दूँ मैं अपने कोलियाडा को, तो सो गाइस मेरा कोलियाडा जो है भाई बिल्कुल मैक्स लेवल का हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें पता है पूरे गेम के अंदर 120 लेवल जो है सबसे ज़्यादा, मतलब मैक्स लेवल होता है, इसके ऊपर किसी ड्रैगन, कोई भी ड्रैगन नहीं जा सकता। लिटरली तुम्हारा भाई अपना पहला ड्रैगन को, मतलब अपना एक डिवाइन ड्रैगन को भाई मैक्स करने जा रहा है, और मैं करूँगा एक दिन ना एक दिन किसी वीडियो में। वैसे मेरे पास अभी बहुत अच्छा खासा फूड है, मैं आराम से कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं टायरेंट्स के लिए बचा रहा हूँ। और एक भाई ज़रूर से किसी ना किसी वीडियो में तो करेंगे अपने डिवाइन कोलियाडा को मैक्स लेवल, क्योंकि मेरा कोलियाडा भाई 115 लेवल का है, और 5 लेवल और कर दिया तो गाइस मेरा कोलियाडा जो है भाई डिवाइन कोलियाडा भाई लेवल मैक्स का हो जाएगा, ठीक है, मैक्स लेवल का हो जाएगा। और भाई साहब, मतलब तुम्हारा भाई तो डिवाइन लीग को भी क्रॉस करके भाई ग्लोबल लीडर बोर्ड में भाई टॉप पे चला जाएगा, ठीक है, और इंडिया में टॉप प्लेयर बन सकता है तुम्हारा भाई। और यहाँ पे भाई साहब 600 पॉइंट कमा लिया हमने, और सामने वाले ड्रैगन्स का लेवल की बात करोगे ना, ये मैक्स लेवल के हैं, ठीक है, फिर भी मेरे जो ड्रैगन्स है भाई टिके हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो भाई मेटल कर रहा हूँ मैं, और यार ये पॉइजन वाले क्यों आते हैं भाई, क्या भाई ये गया पजल ड्रैगन, ना 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 ये भी गया, अरे यार हेल्थ बढ़ा लूँ क्या, डिवाइन करते हैं, चलो मरते मरते बचा भाई, पॉइजन हो गया, शायद नहीं बचेगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे हेल्थ बढ़ा लेंगे भाई, यहाँ पे भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मेटल कर दिया, पता था मुझे ये होना है भाई, क्योंकि डिवाइन का जो इफेक्ट है वो हट चुका था। जो भी हमने 650 से भी ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट कर लिए हैं, और फूड देख सकते हो तुम्हारे भाई पे कितने सारे, और ड्रैगन ग्रीड जो है नया वाला आ चुका है, और अभी तक तुम लोगों ने नहीं खेला है तो खेल लो भाई, तुम्हारे भाई को 2 टायरेंट ऑलरेडी मिल चुके हैं, और आपको कितने टायरेंट मिले हैं, और कौन सा वाला टायरेंट आपने चूज़ किया है, पिक किया है, कमेंट करके ज़रूर से बताना, क्योंकि भाई मैंने तो भाई फ्लैगरोस चूज़ किया है, और भाई इग्निस फेबर तो तुम्हारे भाई को मिल चुका है, ठीक है, ड्रैगन ग्रेड खेल के चेस्ट वगैरह ट्रेजर चेस्ट लेके, और भाई
यहाँ पे लेवल 20 में भाई। ये लो भाई ट्रेजर चेस्ट मिल गया मुझे, ये लो एक मिल गया। फूड भर भर के भाई, फूड से घिरा हुआ हूँ मैं। एक और चेस्ट नीचे की तरफ, मुझे टिकट दिख गया, टिकट ले लेते हैं। चलो सीधा हो जाएगा हमारा लेवल कंप्लीट। अभी टिकट नहीं ले रहा मैं, ठीक है तुम्हें पता है किस लिए भाई। ट्रेजर चेस्ट चाहिए मुझे, ये लो नीचे एक मिल गया। इधर जाएंगे फिर, इधर अगर मैं गया तो डैमेज पड़ेगा। हाँ ये हुई ना बात, ये देखो चार हो गए। अरे एक और भाई, पांचों के पांचों पूरे लेवल के मिल गए तुम्हारे भाई को, ठीक है। पांच ट्रेजर चेस्ट मिल चुके हैं। सो यहाँ पे और आई थिंक और नहीं ले सकते, यहाँ पे हमने टिकट ले लिया और ये लेवल हो चुका है कंप्लीट। बहुत ही बढ़िया। लेकिन इस फेवर के पीसेस भाई नहीं चाहिए यार, वो तो मिल चुका है तुम्हारे भाई को टायरेंट इग्निस फेवर, और फ्लैगरोस भी मिल चुका है। वैसे हैचरी पे है फ्लैगरोस, और इग्निस फेवर को अभी तक मैंने हैचिंग पे नहीं लगाया भाई। जितना भाई टाइम एंशिएंट को लगता है ना हैच होने में, बिल्कुल सेम टाइम भाई टायरेंट को लगता है। मैंने तुम लोगों को याद होगा भाई, जैसे जो भी भाई मेरे लाइव स्ट्रीम को देख रहे होगे भाई, मैंने एंशिएंट योलहन ड्रैगन मेरा जो तीसरा एंशिएंट है उसे हैच लगाया था, और उसके साथ मैंने अपना पहला टायरेंट फ्लैगरोस ड्रैगन को हैच लगाया था भाई। उससे भी तीन दिन 20 घंटे लग रहे थे, और एंशिएंट को भी भाई तीन दिन 20 घंटे, मतलब चार दिन के करीबन, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है भाई। यहाँ पे बैटल में आ चुके गाइस, चलो यार बैटल करते हैं। यहाँ पे ड्रैगन सिलेक्ट कर लेते हैं, मैड गैजेट एक्वा और लास्ट में जो भी है इसका नाम नहीं पता यार, इतने ड्रैगन्स का नाम याद नहीं होता। यहाँ पे पहला शॉट बहुत ही अच्छा डैमेज को यहाँ पे साइड करते हैं, बेस्ट एलिमेंट की बात करते हैं। सो गाइज ये डिपेंड करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेयर्स पे, ठीक है, कि एक बंदा एक एज अ सपोर्टिव टाइप खेलता है या फिर अटैक टाइप, ठीक है। एक बंदा ऑफेंसिव है या फिर डिफेंसिव, उस पर ही डिपेंड करता है, बंदे पर डिपेंड करता है। लेकिन भाई मेरी बात कीजिए, मैं एग्रेसिव गेम प्ले करता हूँ। एग्रेसिव से मेरा ये मतलब है मैं एक ऑफेंसिव अटैक टाइप प्लेयर हूँ। सो गाइज मुझे इसके एलिमेंट्स में से तीनों में से भाई बेस्ट लगेगा भाई शेडो। ऑब्वियसली भाई शेडो, मतलब शेडो जिस ड्रैगन पे होता है और वो यूज़ करता है बंदा, उसे भाई लक्की होता है वो बंदा, क्योंकि शेडो एलिमेंट वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक एलिमेंट्स से एक है, स्पेशली प्लांट और शेडो। शेडो तो भाई सामने वाले का मतलब भाई पॉजिटिव इफेक्ट को ही ब्लॉक कर देता है, ना वो हील कर सकता है ना कुछ। बहुत तगड़ा एलिमेंट है, एक शॉट से उड़ाता है सामने वाले को। जो भी हो यहाँ पे भाई बेस्ट एलिमेंट की बात की जाए, वो मेरी ओपिनियन है, इसका बेस्ट एलिमेंट है गाइस शेडो। और गाइस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका भाई बेस्ट सील कॉम्बिनेशन कौन सा है, मैड गैजेट यूजर्स पक्का यही सोच रहे होंगे। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका भाई बेस्ट सील कॉम्बिनेशन होने जा रहा है। आप लोगों को गाइस देना है क्रुएल्टी, ठीक है। क्रुएल्टी मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, इसका रीज़न है क्योंकि भाई तुम्हें पता है क्रुएल्टी स्पेशली प्लांट एनर्जी शेडो ऐसे एलिमेंट्स के लिए है, ठीक है। और भाई इन्हीं एलिमेंट्स के लिए क्रुएल्टी बना है, और भाई इन्हीं एलिमेंट्स पर ये काम करता है। अगर इसे प्यूरिटी दोगे इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, मुझे पता है इसका हेल्थ लेवल बहुत ज़्यादा है 240 है, प्यूरिटी बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन इसके एलिमेंट्स को देखो ज़रा, नज़र मारो इस पर भाई, मेटल है और भाई है शेडो, ठीक है, अटैकिंग एलिमेंट है इसके पास शेडो। तो शेडो पर भाई प्यूरिटी कभी भी आज तक काम नहीं किया है भाई। क्रुएल्टी इसके लिए बेस्ट होने जा रहा है। क्रुएल्टी भाई क्रिटिकल डैमेज रेट को भाई पता नहीं कितना परसेंट बढ़ा देता है, और स्पेशली भाई रेयर क्रुएल्टी या फिर उसके हायर देने का ट्राई करना। क्रुएल्टी के साथ गाइज आप लोग देख सकते हो इसे एक्सेप्टेंस। सो गाइज जो मैंने सील कॉम्बिनेशन बताया, इससे आप बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी के साथ इसके साथ खेल सकते हो, और भाई साहब आराम से रैंक पुश कर सकते हो एरिना में, बैटल में, या फिर भाई बैटल्स कंप्लीट करने कर सकते हो, डुनगियन भी खेल सकते हो, ठीक है। स्पेशली एरिना में बहुत ही तगड़ा रैंक पुश कर सकते हो, हायर लीग्स में जा सकते हो अगर जाना चाहते हो तो इसी स्ट्रेटजी के साथ, और हाँ आपकी टीम भी अच्छी होनी चाहिए। सो भाई आपको एक्सेप्टेंस देना, क्योंकि तुम्हें पता है भाई मैंने अपने कोलियाडा का जो भाई मेटल है उसकी वजह से एक्सेप्टेंस दे रखा है भाई। बहुत ज़्यादा ये ऑब्वियस है यार, सपोर्टिव एलिमेंट्स के लिए एक्सेप्टेंस और वंडर से ज़्यादा बेटर कुछ भी नहीं है भाई गेम के अंदर। कोई भी सिगिल भाई सपोर्टिंग एलिमेंट्स के लिए एक्सेप्टेंस और वंडर को छोड़ के कोई भी सिगिल नहीं बना है, ठीक है, स्पेशली एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस वंडर से ज़्यादा बेटर है, मैं बता दूँ।
एक्सेप्ट ट्रांसप्लेस क्रुएल्टी से भाई आप इसे एज अ अटैकर एंड एज अ सपोर्टर भी यूज़ कर सकते हो, और मतलब मतलब दोनों मतलब ये सपोर्ट भी करेगा अटैक भी करेगा। और भाई साहब एरिना में आप तगड़ा भाई रैंक पुश कर सकते हो इसी स्ट्रैटेजी के साथ। सो गाइस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।